गुड आफ्टरनून क्लास। तो बेटा कल की क्लास से यदि हम लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा बेटा कंस्ट्रक्शन में क्या, कंस्ट्रक्शन में जब किसी भी ट्रायंगल के थ्री साइड्स दिए गए हों तो ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। थ्री साइड्स का मतलब कोई ट्रायंगल ऐसे हो और इसमें यदि ए बी सी ए आल थ्री साइड्स दे दिए गए तो इसका मतलब क्या हो गया, साइड 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 कंस्ट्रक्शन। क्या हुआ, साइड 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 कंस्ट्रक्शन। जो चीज़ें नॉन होती हैं उसी बेस पे हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे आल थ्री साइड्स आपको मालूम थी, अगर थ्री साइड्स मालूम है तब हम कैसे ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो चीज़ें दी गई थी। अब जो आपका आज सेकेंड फेज में आएगा वो आपका आएगा बेटा साइड एंगल साइड कंस्ट्रक्शन। साइड एंगल साइड एंगल साइड कंस्ट्रक्शन मीन्स दो साइड दिया रहेगा एक एंगल दिया रहेगा। ट्रायंगल के टू साइड्स दिए होंगे और वन एंगल दिया गया होगा, मीन्स साइड एंगल साइड कहे तब हम कैसे ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब इस एक्सरसाइज में इस बात पर हम लोगों को काम करना होगा, साइड एंगल साइड राइट। तो आते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं तब समझ में आएगा कि कैसे हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो बेटा यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन नंबर वन जो है आपका एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर वन अकॉर्डिंग टू NCERT तो दिया गया है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल DEF। एक ट्रायंगल DEF आपको कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें DE 5 सेंटीमीटर है, DF 3 सेंटीमीटर है एंड एंगल M कितना है, मेजर एंगल EDF, मेजर एंगल EDF कितना है 90 डिग्री है राइट। तो पहला हमारा काम क्या होगा, फर्स्ट वर्क जो हमारा होगा फर्स्ट स्टेप में पहले हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे। तो पहले हम एक रफ ट्रायंगल ड्रा करते हैं। तो हमने एक रफली एक ट्रायंगल ड्रा कर लिया, इसकी नेमिंग कर दिया हमने DEF राइट। इसका हम लोगों ने नेमिंग कर दिया DEF। अब देखिए DE क्या दिया है, ये 5 सेंटीमीटर है, DF कितना है ये 3 सेंटीमीटर है, उसके बाद में क्या है एंगल EDF, ध्यान दीजिए एंगल EDF। ये जो पहले में M लिखा हुआ है, M का मतलब होता है मीज़र, यम का मतलब क्या होता है मेजर एंगल EDF। तो एंगल EDF की वैल्यू कितनी है, EDF की वैल्यू कितनी दिया गया है 90 डिग्री, क्या दिया गया है 90 डिग्री। तो अब एक प्रकार से आप लोगों को एक प्रकार से आप लोगों का ये फिगर क्लियर हो गया है कि ट्रायंगल कैसा रहेगा, कौन सी साइड कितना रहेगी, कहाँ पे एंगल बनेगा राइट। अब चलिए अब हम लोग क्या करें, या तो इसको इन दोनों में से कोई एक लाइन को पहले हम लोग ड्रा करेंगे। तो क्या करेंगे, ड्रा अ लाइन हुज इनिशियल पॉइंट डी। हमने एक लाइन ड्रा किया जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है डी है, डी से होकर के हमने एक लाइन क्या कर लिया ड्रा कर लिया। अब इसके बाद में टेक 5 सेंटीमीटर रेडियस इन आवर कंपास एंड ड्रा एन आर्क फ्रॉम पॉइंट डी। अब पॉइंट डी से ही हमने एक 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के क्या कर दिया आर्क ड्रा किया, हुज कट द लाइन एट पॉइंट ई, जो लाइन को पॉइंट ई पर क्या कर दिया कट कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया डी ई, लाइन ई लाइन को के डी को किस पे कट किया ई पे, तो ये आपका क्या हो गया बेटा लाइन डी ई। अब इसके बाद में स्टेप सेकेंड में देखिए क्या है, ये पॉइंट डी पर क्या हुआ है एंगल बना हुआ है कितने डिग्री का 90 डिग्री का। तो ये पॉइंट डी है इस पर आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है, वो भी विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर नहीं विद द हेल्प ऑफ कंपास, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल तो कंपास की हेल्प से बहुत ही ईजीली बन जाता है। पहले आप कोई रेडियस लेकर के
ऐसे आर्क ड्रा कीजिए, फिर उसके बाद सेम रेडियस से पहला आर्क करेंगे तो यहाँ पे आएगा, सेकेंड आर्क करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 60 डिग्री का होता है, ये आपका 120 डिग्री का होता है। अब फिर इन दोनों से यहाँ से लेकर के एक ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से लेकर के एक ऐसे करेंगे, तो ये यो ड्रा हो गया। ये आपका कितने का बन गया, 90 डिग्री का। ये कितने का एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो ये आपने 90 डिग्री का एंगल क्या कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया। और जब ये 90 डिग्री का एंगल आपने यहाँ पे पॉइंट डी पर कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो ये जो 90 डिग्री वाला है यहाँ पे देखे रफ फिगर में तो दिख रहा है कौन सा लाइन होगा, डी एफ होगा। तो मतलब डी पर आपने 90 डिग्री बना लिया, अब ऊपर जो होगा वो कितना होगा, एफ होगा, वही पॉइंट एफ होगा। अब वो एफ कहाँ होगा, तो उसने कुछ दे रखा तो उन्होंने दिया है कितने सेंटीमीटर पर, 3 सेंटीमीटर पर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रा करेंगे जो इस एंगल वाली लाइन को यहाँ पे क्या कर दिया, कट कर दिया। तो ये पॉइंट क्या हो गया, एफ हो गया। तो ये क्या हो गया, डी ई एफ। अब आपको दो के दोनों पॉइंट मालूम हो गए, अब भी पॉइंट मालूम है, ये भी पॉइंट मालूम है, तब क्या करना है, केवल आप ला करके उसको ज्वाइन कर दीजिए, हो गया, हो गया आपका डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ क्या हो गया, बन गया, राइट। तो ऐसे ही आपको करना है। एक बार स्टेप्स के बारे में हम फिर से बता देते हैं। टेक 5 सेंटीमीटर, सॉरी, ड्रा अ लाइन हुज इनिशियल पॉइंट डी, ये स्टेप फर्स्ट था। स्टेप सेकेंड में टेक 5 सेंटीमीटर रेडियस इन आवर कंपास, टेक 5 सेंटीमीटर रेडियस इन आवर कंपास एंड ड्रा एन आर्क फ्रॉम पॉइंट डी हुज कट द लाइन एट पॉइंट ई। तो ए आपका हो गया ई, तो इस प्रकार से क्या हो गया आपका, डी ई कितने का हो गया, 5 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद में आप पूरा स्टेप है, आप एक ही स्टेप में लिख जाइए, कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास एट पॉइंट डी। केवल इतना ही लिखना है आपको, कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास एट पॉइंट डी। तो पॉइंट डी पर हमने कंपास की हेल्प से क्या किया, 90 डिग्री का एक एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो ए अब आप 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो उसके बाद वाला आप देखिए क्या रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में टेक 3 सेंटीमीटर रेडियस इन आवर कंपास, ड्रा एंड आर्क फ्रॉम पॉइंट डी, ड्रा एंड आर्क फ्रॉम पॉइंट डी हुज कट द लाइन ऑफ 90 डिग्री एंगल, हुज कट द लाइन ऑफ 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट एफ। तो हमने 3 सेंटीमीटर का रेडियस अपने कंपास में लेकर के एक आर्क ड्रा किया जो 90 डिग्री वाले एंगल की लाइन को पॉइंट क्या करता है, एफ पे कट कर देता है, राइट। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में रहेगा ज्वाइन ई एंड एफ, ज्वाइंट ई एंड एफ। जो ई एफ को आपने ज्वाइन कर दिया तो आपका फाइनल स्टेप हो जाएगा इसके बाद, व्हिच इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल डी ई एफ, राइट। इतना ही आप लोगों को करना है इसमें। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो देखिए क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी। आप लोगों को एक ट्रायंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट करना है विथ, जिसमें क्या दिया गया है, बीसी इज इक्वल 7.5 सेंटीमीटर, एसी इज इक्वल 5 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल सी 60 डिग्री, राइट। तो अब क्या करेंगे, पहले हम एक रफली ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, एबीसी हो जाएगा ये। अब ए बी सी में आपका क्या है, बी सी इज इक्वल कितना है, 7.5 दिया गया है, ए आपका 7.5 हो गया, ए सी कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ए आपका हो गया एंड एंगल सी कितना दिया गया है, मेजर एंगल सी 60 डिग्री, राइट। तो एक फिगर आपको क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग फाइनली कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर इसके बाद उसके स्टेप पर आते हैं। तो हम जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे वैसे वैसे स्टेप बताते चलेंगे, फिर एक बार स्टेप के बारे में भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए स्टेप फर्स्ट में आपका क्या रहेगा, वी ड्रा अ लाइन बी सी कह रहे हैं, लाइन जो है एक ही पॉइंट से होकर के जाता है, लाइन में दो पॉइंट नहीं होते हैं। वी ड्रा अ लाइन हुज इनिशियल पॉइंट वी, वी ड्रा अ लाइन हुज इनिशियल पॉइंट बी,
राइट, इतना ही। स्टेप सेकेंड में कितने बी सी कितने सेंटीमीटर का है, 7.5 सेंटीमीटर का। टेक 7.5 सेंटीमीटर रेडियस इन आवर कंपास, टेक 7.5 सेंटीमीटर रेडियस इन आवर कंपास, ड्रा एंड आर्क फ्रॉम बी हुज कट द लाइन एट पॉइंट सी, हुज कट द लाइन एट पॉइंट सी विच इज रिक्वायर लाइन सेगमेंट बी सी इज 7.5 सेंटीमीटर। राइट, तो अब आपको लाइन सेगमेंट बी सी मिल गया कितने का, 7.5 सेंटीमीटर का। अब नेक्स्ट में क्या है, एंगल सी पर कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। तो 60 डिग्री का एंगल आप लोग किससे बनाएंगे, कंपास से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका रहेगा वी कंस्ट्रक्ट 60 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो आपने कंपास के हेल्प से क्या कर दिया, 60 डिग्री का एंगल ड्रा कर दिया। अब 60 डिग्री का एंगल कंपास से होता कैसे है उसको भी देख लीजिए। तो कंपास से क्या करें, कोई किसी भी रेडियस का, कोई भी एक रेडियस ले करके बेटा, और कंपास की नीडिल को यहाँ रख करके एक आर्क हमने ड्रा किया। उसके बाद उसी सेम रेडियस से, सेम रेडियस का वो जो कंपास है यहाँ रख करके एक हमने ऐसे आर्क को कट किया, तो ये जो है यही आपका एंगल कितना, कितने का हो गया, 60 डिग्री का। यही आपका क्या हो गया, एंगल सी 60 डिग्री का हो गया, सी से 60 डिग्री हो गया। अब ये जो 60 डिग्री वाला एंगल है वो देख रहे हो, लाइन कितने का है, लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर का। सी ए कितने का है, 5 सेंटीमीटर का। तो इसका मतलब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में टेक 5 सेंटीमीटर रेडियस इन आवर कंपास, ड्रा अ आर्क फ्रॉम पॉइंट सी, ड्रा अ आर्क फ्रॉम पॉइंट सी हुज कट द लाइन ऑफ 60 डिग्री एंगल एट पॉइंट ए, जिसने 60 डिग्री वाले लाइन को कहाँ पे कट कर दिया, पॉइंट ए पर कट कर दिया। तो ए आपका हो गया 60 डिग्री का एंगल, यहाँ पे ए पर इसने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब आपका देखिए तो पॉइंट बी भी क्लियर है, पॉइंट सी भी क्लियर है, पॉइंट ए भी क्लियर है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल ए को बी से ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन ए बी, ज्वाइन ए एंड बी विच इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी, बस इतना ही करना है। अब चलिए हम एक बार फिर से स्टेप के बारे में बताते हैं। स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप में वी ड्रा अ लाइन हुज इनिशियल पॉइंट बी। स्टेप सेकेंड में टेक 7.5 सेंटीमीटर रेडियस इन आवर कंपास, ड्रा अ आर्क हुज कट द लाइन एट पॉइंट सी विच इज रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट बी सी। राइट, ये आपका स्टेप सेकेंड था। स्टेप थर्ड में वी ड्रा 60 डिग्री एंगल एट पॉइंट सी विद द हेल्प ऑफ कंपास, बस इतना ही, ये आपका स्टेप थर्ड हो जाएगा। इसके बाद में स्टेप फोर्थ में क्या रहेगा, स्टेप फोर्थ में रहेगा बेटा वी टेक 5 सेंटीमीटर रेडियस इन आवर कंपास, ड्रा एंड आर्क फ्रॉम पॉइंट सी हुज कट द लाइन ऑफ 60 डिग्री एंगल एट पॉइंट ए, ये आपका स्टेप फोर्थ था। इसके बाद में स्टेप फाइव में ज्वाइन ए एंड बी, स्टेप फाइव जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, ज्वाइन ए एंड बी विच इज रिक्वायर ट्रायंगल ए बी सी, बस इतना ही। यानी फाइव स्टेप्स आप लोगों को राइट करना है, बस इतना ध्यान देना है कि जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे जो वर्क करेंगे वैसे वैसे आपको स्टेप को लिखना है। पहले आपने लाइन लिया, ड्रा किया, तो पहले लाइन के बारे में दिखाएंगे, उसके बाद लाइन से लाइन सेगमेंट को अलग किया उसको दिखाएंगे, फिर यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाया उसको बताएंगे, फिर इसके बाद में 5 सेंटीमीटर रेडियस से इसको कट किया फिर उसको दिखाएंगे, फिर आपने इनको ज्वाइन किया उसको दिखाएंगे, बस इतना स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो ये था आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 3। तो इस प्रकार बेटा एक्सरसाइज 10.3 अकॉर्डिंग टू NCERT में 3 क्वेश्चन थे टोटल, जिनमें से 2 हमने बता दिया, एक आप लोगों को करना है। और उसके बाद जो HW रहेगा आज के लिए वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 बाई NCERT। ये किससे रहेगा, ये सब के सब किससे रहेंगे, NCERT से रहेगा। और उसके बाद में आपका बेटा प्लस आपका एक्सरसाइज 17A में पैरेलल लाइन के क्वेश्चन दिए गए हैं,
एंड एक्सरसाइज 17B में आपका ट्रायंगल से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन करना है, जिसमें हमने दो टाइप्स का बता दिया आपको, साइड 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 एंड साइड एंगल साइड। तो इन दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को आप लोगों को RS अग्रवाल से इन एक्सरसाइज से आप लोगों को करना रहेगा, राइट। तो ये चीज़ें कीजिए, इसके बाद मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.4 पे। ओके, थैंक्स।